दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाती का, यानी कि अजय नागर का। भोसड़ी वाले चाचा, आप तो रिव्यू कर लिए कैरी को, लेकिन तेरे को कितने ने रिव्यू कर दिया, ये आप नहीं देखा? बेटा, नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। जैसे तुमने कमाल, मतलब बहु कोई नेक काम तो नहीं किया, लेकिन और रसीद रसीद क्या किसी को काटना है? जैसे दुर्गा पूजा में चंदा काटा जाता है, वैसे तो तुम क्यों इसलिए ऐसा नाम रखते हो? खैर दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लो। और फर्स्ट टाइम आप लोगों को बोल रहा हूं कि हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि भोसी के चला चैनल इसलिए सब्सक्राइब करूं कि तुम माँ बहन डेली सुनाओगे, इसलिए ना? तो क्यों करूं बोल? इस वीडियो में बहुत माँ बहन होने वाली है। इसको लोगों की माँ बहन करने का बहुत शौक है, तो इसको आज मैं बताऊंगा कि बेटा सही तरीके से माँ बहन कैसे होती है। तो फौरन हेडफोन। क्योंकि चाचू, कैरी भाई ने तेरे को बहुत पहले ही 4 साल पहले करीब पेला था ना, और उसके बाद कई एक बार तेरे को पेल दिया, इसी वजह से हेडफोन लगा लो। लगा लो। हाँ तो लुक्खे अजय, तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। आने वाले वक्त का बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार तू ही होने वाला है। वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है, ऐसे भी तुम यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हो, तो यूट्यूब पे कहाँ तुम्हारा 400 से अधिक वीडियो और 6 लाख सब्सक्राइबर, और उसका कहाँ 100 150 प्लस वीडियो और उसका 28 मिलियन सब्सक्राइबर एक में ही मिला दोगे? भोसड़ी वाले चाचा, चाचा तुम्हारा नाम क्या है? अबे लंड मेरा, भोसड़ी के आईने के सामने खड़ा होके एक दफा अपनी शक्ल देख ले। भोसड़ी के तेरी शक्ल जो है ना, वो छछुंदर जैसी है। चला एक्टर बनने। और भोसड़ी के तेरी शक्ल तो लग रहा है कि तुम छछुंदर से भी बदतर हो। अपनी शक्ल देखता है लग रहा है बिलायती वो है, बिलायत में पैदा लिया है तुम। चलता कैसा है तू, गांड को हिला के इधर उधर इधर उधर, जैसे फर्स्ट टाइम लौंडा मरवाते हुए इधर उधर करता है ना, वैसे तू चलता है। क्योंकि तुम गांड मरवाया था ना, और उस गांड में इधर उधर डुला के मरवाया होगा, इसी वजह से तुम ऐसे बता रहा है। तुम्हारा बहुत ही इसको एक्सपीरियंस है ना, इसी वजह से बताता है, सभी के बारे में जानकारी देता है, रिव्यू भी करता है। और हाथ तेरे एकदम कोमल कोमल लड़कियों जैसे, गांड पे तेरी एक भी बाल नहीं है। ये कैरी का गण और लाड दोनों देख रहा है सुहरा के कि कैसा है, उसका गण में कितना बाल है, कितना टाइट है, कितना कोमल है, कितना नॉर्मल है, तब इसको पता है। और ऊपर से कहता है कि तू एक्टर बनेगा। अबे कौन सा रोल करेगा, लड़की का या लड़के का? और किसकी फिल्म में काम कर रहा है? अजय देवगन की। बेटा बहुत पहुंची हुई चीज है वो, जरा रात को उसके रूम से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो मीटू करता घूमेगा बाद में। क्योंकि ये 2 4 बार मीठू कर लिया है जा कर के बॉलीवुड में, इसी वजह से सबको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है। ये मीठू करता था जा के, वहाँ डुलाता उलाता होगा। समझा ना, मुझे पता नहीं तू फिल्म में क्या रोल कर रहा है, अजय ने तुझे लड़की का रोल दिया है या लड़के का रोल दिया है, बट मुझे तो लगता है बेटा कि तू हाफ बिरयानी है। तुझे लड़की का रोल ही मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भोसड़ी के तेरी औकात नहीं है कुछ करने की। अच्छा कोई बात नहीं, इस भोसी वाले चाचे को पता चल गया कि कितना औकात है करी भाई को, क्योंकि ये 4 या 5 दिन में बिना वीडियो बन अपने चैनल से वीडियो डिलीट कर दिया। और ना इससे ज्यादा तू कभी कुछ कर पाएगा। पता है आज तक मैंने तेरा रिव्यू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा तू कुछ था नहीं, तेरी कोई औकात नहीं थी। तो तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, जैसे तू लोगों की माँ बहन करता है वैसे ही तेरी माँ बहन करना, तुझे पब्लिसिटी देना था। ये पैदा लेते कमाल आर खान बन गया था, जैसे बात करता है भोसड़ी के, तुम भी तो कुछ दिन के बाद ही बना होगा। इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। बाहर भोसड़ी के तेरे जैसा जब भी हीरो अगर बॉलीवुड में रहेगा ना, तो बॉलीवुड को भी नाश करके रख देगा। लेकिन बेटा अब तू बन गया एक्टर, अब तू आ गया बॉलीवुड में, तो अब तेरी मानना जरूरी है, अब तेरा रिव्यू बनता है। इसीलिए मैं आज तेरी वो चिकनी चिकनी गांड मार रहा हूं जिसपे एक भी बाल नहीं। वाह रे भोसी वाले चाचा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर दिया।
तुम साले लाड़ के बार भी देख लेते, गांड के बार ही क्यों देख लिया, लाड़ भी देख लेता उसका। अब तो आ गया है बॉलीवुड में, तेरा एड्रेस, तेरा फोन नंबर, सब कुछ हमारे पास आ गया। अब तू गाली दे के बता, अब तू वो हरकतें जो करता था वो करके बता। जिस दिन करेगा उसी दिन बारात तेरी खोली पे आएगी, और वो बारात वाले तेरी खूब खातिर तवाजे करेंगे। भोसड़ी के, हमें तो लगता है कि तू ही उसके द्वार पे बारात लेकर जाएगा, लगता है कि वो तेरा दामाद बनेगा जैसे। तो मेरे लंड, तेरी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, उसको चलाता रहता, बेस्ट था। ये भोसड़ी के लंड बुलंड क्यों कर रहा है, इसका लंड पहले से ही कटा हुआ है, तपर भी अपना लंड पे इतना घमंड है। अब तूने पड़ी लकड़ी गांड में डाल ली। अब जो है तू ना इधर का रहा ना इधर का रहा, क्योंकि जैसी तेरी शक्ल है लंड जैसी, वैसे एक्टर बनते नहीं। क्योंकि तेरी शक्ल है गांड जैसी, उसमें वो अपना लंड डाल के मारता था, इसी वजह से तुम्हारी शक्ल गांड जैसी है, और इसीलिए बॉलीवुड में एंट्री अब तुमको पहले मिल चुका था। तो एक्टर तू बन नहीं सकता। और जो तू वीडियो बनाता था, लोगों को गालियां देता था खोली में कहीं बैठकर, ना अब वो कर पाएगा तू। तो बेटा तू धोबी का कुत्ता है, ना घर का रहा ना घाट का। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर। वाह भोसड़ी के, तुम अंग्रेजी भी जानते हो, अच्छा तुम्हारा अंग्रेजी मैं देखता हूँ कि कितना अच्छा से बोलता है, दिखाता हूँ तेरे दर्शक को थोड़ा। सर सबसे पहले क्या है किस तरह की कहानी, इसके बारे में। भोसड़ी के ऐसे तो कपाल सर खुजलाते हैं अपने बच्चा लोग, जैसे उसे कुछ क्वेश्चन याद नहीं होता तो मास्टर पूछते हैं बेटा भारत की राजधानी कहाँ है, तो सर खुजलाने लगते हैं। भोसी के वैसा ही इसका ये कर रहा है। दिस इज लव स्टोरी विद द मैसेज दैट यू कांट से अबाउट अ गर्ल बाय हर क्लॉथ्स, इफ शी इज वेयरिंग स्कर्ट और शी इज वेयरिंग वेरी शॉर्ट क्लॉथ्स और इफ शी इज ड्रिंकिंग और शी इज स्मोकिंग। वाह भाई लोग, आप लोग ने देख लिया कितना अच्छा अंग्रेजी बोलता है, वाह वाह वाह, ताली बजाओ इसके लिए, स्वागत करते हैं। मगर क्यों, इस चुतिये का देशद्रोही मूवी का सीन है जिसका रेटिंग और ये दूसरे का मूवी का रिव्यू करता है और खुद के मूवी का 1.6 रेटिंग मिला हुआ है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, एक ऐसा चुतिया जिसे एक गोली दो गोली लगने के बाद भी नहीं मरता है, आ, 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 करते रहता है साले। राजा, राजा। चलिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। बस आज इतना ही, तो लाइक हम उम्मीद रखते हैं 10,000।